नमस्कार, मैं हूं साक्षी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले अब एक नजर सुर्खियों पर। बिहार यूपी बॉर्डर पर बढ़ी सुरक्षा, बिहार में जल्द बदलेगा मौसम का मिजाज। बिहार में लाखों शिक्षकों की नौकरी पर लटकी तलवार। अवैध बालू खनन के खिलाफ पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। रिंकू सिंह को भारतीय टीम में जगह नहीं मिलने पर पूर्व चयनकर्ता ने कही ये बात। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार यूपी बॉर्डर पर बढ़ी सुरक्षा, लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जा रहे और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश से कैमूर में आने वाले सभी वाहनों की जांच की जा रही है। जिलाधिकारी के आदेश पर सख्ती को बढ़ा दिया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। 24 घंटे में 3 शिफ्ट बनाकर जवानों के द्वारा चेकिंग की जा रही है। 1 मजिस्ट्रेट, उत्पाद विभाग की टीम और पुलिस बल के जवानों को तैनात किया गया है। बड़े वाहनों की जांच के लिए हैंड हेल्ड स्कैनर मशीन का प्रयोग किया जा रहा है। चुनाव को लेकर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती की गई है। बिहार में जल्द बदलेगा मौसम का मिजाज। बिहार में लोगों को जल्द ही चिलचिलाती धूप और गर्मी से राहत मिलने वाली है। मालूम हो कि बीते 24 घंटे में सर्वाधिक तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। वहीं मौसम विभाग ने बारिश को लेकर पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार 3 और 4 मई को बक्सर, अरवल, कैमूर, भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद और गया में हीट वेव का अलर्ट है। वहीं अन्य जिलों में किसी भी प्रकार का कोई अलर्ट नहीं है। बिहार में 4 मई से बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश में तापमान गिरने से लू में गिरावट होगी, हवा का रुख भी बदल जाएगा। 5 मई को बिहार के कई जिलों में बारिश हो सकती है। नेपाल में 1 करोड़ से अधिक रुपए के बैंक लूट के आरोपी बिहार से गिरफ्तार। नेपाल में 1,32,00,000 रुपए के बैंक लूट मामले में बिहार पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मोतिहारी एसपी के नेतृत्व में रक्सौल और पकड़ी दयाल डीएसपी ने कार्रवाई की। पुलिस ने नेपाल के नोबेल कोऑपरेटिव बैंक को लूटने के मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर इनके पास से लूट के 18,23,200 नेपाली करेंसी को बरामद किया है। आपको बता दें कि अपराधियों के पास से हथियार सहित कई सामान को जब्त किया गया है। पूछताछ में इन्होंने चिरैया और ढाका में 3 इलेक्ट्रिक दुकान में हुए चोरी कांड का खुलासा किया है। पुलिस ने चोरी के सामान को भी बरामद किया। मालगाड़ी के डिब्बों के बेपटरी होने से दरभंगा सकरी रोड पर घंटों आवागमन रहा बाधित। दरभंगा में एक मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए और इसके बाद दरभंगा सकरी रोड पर आवागमन घंटों बाधित रहा। कई लोग अपनी जान पर खेलकर रेलवे गुमटी को पार कर रहे थे। कोई मालगाड़ी के डिब्बों के बीच से पार कर रहा था तो कोई मालगाड़ी के नीचे से पटरी को पार करते हुए नजर आया। इस घटना की जानकारी मिलते ही डीआरएम मौके पर पहुंच गए और उसके बाद इन्होंने पूरी घटना की जांच का आदेश दिया। बताया जाता है कि घटना के समय से कंगवा गुमटी से आवागमन बाधित हो गया। कोच के अंदर में सामान ठीक से नहीं रखा गया और इसी कारण मालगाड़ी बेपटरी हो गई और इस दौरान लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं फिलहाल गुमटी से आवाजाही शुरू हो चुकी है। बिहार में लाखों शिक्षकों के नौकरी पर लटकी तलवार। बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य में नियोजित शिक्षकों के फोल्डर नहीं देने वाले नियोजन इकाइयों पर विभाग के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। नियोजित इकाइयों में नियोजित शिक्षकों के फोल्डर नहीं मिलने के बाद उनके सचिवों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और साथ ही जिन मेधा सूची के अंक पत्र के आधार पर शिक्षकों की बहाली हुई है उसकी जांच होगी। जानकारी के अनुसार राज्य में 77,057 नियोजित शिक्षकों के सर्टिफिकेट के फोल्डर नहीं मिले हैं। वहीं लाखों शिक्षकों के पुस्तकालय अध्यक्षों के सर्टिफिकेट की निगरानी जांच की जाएगी। मालूम हो कि शिक्षा विभाग के द्वारा उन नियोजित इकाइयों की सूची तैयार की जा रही है जिनके यहाँ से नियोजित शिक्षकों का प्रमाण पत्र गायब हुआ है। 4 मोबाइल फोन और 6 सिम कार्ड के साथ पुलिस ने 2 साइबर अपराधी को किया गिरफ्तार। बिहार पुलिस की ओर से साइबर अपराधी के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में बिहार पुलिस ने नवादा जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 4 मोबाइल फोन और 6 सिम कार्ड के साथ और अन्य सामान के साथ 2 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। इन्होंने बजाज फाइनेंस और रिलायंस कंपनी के नाम पर ठगी की घटना को अंजाम दिया था। जानकारी के अनुसार इस अपराधी का पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी साझा की है। अवैध बालू खनन के खिलाफ पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। बिहार में अवैध बालू खनन के कारोबार के खिलाफ पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाती है। इसी कड़ी में पटना पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ एक्शन लिया है। पुलिस ने
गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई की है। डीएसपी पंकज कुमार मिश्रा और थाना अध्यक्ष सुनील भगत ने एक टीम का गठन करके मनेर के शेरपुर स्थित गंगा नदी बालूघाट पर छापेमारी की। इसमें 11 हाइवा ट्रक, 5 ट्रैक्टर, 1 लोडर और 1 फोकलेन मशीन के साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में फिलहाल जुटी और साथ ही घटना में शामिल अन्य लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री को लेकर दिए गए बयान के बाद मुकेश सैनी ने दी सफाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सभा के दौरान कांग्रेस पर आरक्षण लागू नहीं करने का आरोप लगाया और उसके बाद विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा था कि वो 10 साल से सिर्फ ताली बजा रहे हैं। इस पर भाजपा मुकेश सैनी को लेकर हमलावर है और उसके बाद मुकेश सैनी ने अपने बयान को लेकर सफाई दी और साथ ही खेद प्रकट किया है। मुकेश सैनी ने कहा है कि उनके बयान को लेकर अगर किसी को कोई ठेस पहुंचा है तो वो इसे लेकर खेद प्रकट कर रहे। प्रधानमंत्री को लेकर उन्होंने कोई भी आपत्तिजनक बयान नहीं दिया। राजद का साथ छोड़ रामा सिंह ने लोजपा रामविलास का थामा हाथ। वैशाली के पूर्व सांसद रामा सिंह ने आरजेडी का साथ छोड़ दिया। लोकसभा चुनाव के बीच नेताओं का पाला बदलने का सिलसिला जारी है। रामा सिंह ने राजद से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद अब वो चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास का हिस्सा बन चुके हैं। रामा सिंह के लोजपा रामविलास का हिस्सा बन जाने के बाद चिराग पासवान ने खुशी जाहिर की है और साथ ही लोजपा रामविलास के आते ही चिराग पासवान ने कहा कि रामा सिंह अपने घर में आ गए हैं। वो लोजपा पार्टी की स्थापना के समय से ही रामविलास पासवान के साथ रहे और उनके दोबारा पार्टी में आ जाने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। पप्पू यादव को टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस ने दिया ये जवाब। पूर्णिया की लोकसभा सीट से पप्पू यादव निर्दलीय प्रत्याशी है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था लेकिन महागठबंधन में हुए सीट बंटवारे में ये सीट राजद के खाते में चली गई और इस कारण पप्पू यादव को कांग्रेस से टिकट नहीं मिल सका और इसके बाद अब कांग्रेस की ओर से पप्पू यादव को लेकर जवाब सामने आया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा कि पप्पू यादव ने उनके अनुसार कांग्रेस की सदस्यता ली ही नहीं है। उन्होंने पटना में सदस्यता का पर्चा भी नहीं लिया। ये बिहार में पार्टी में शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति को लेना पड़ता है। मालूम हो कि इससे पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने पप्पू यादव को अपना नामांकन वापस लेने के लिए कहा था। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह की रैली। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण को लेकर तैयारी चल रही है। एनडीए के शीर्ष नेताओं का कार्यक्रम तय है। पीएम नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिहार के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मुजफ्फरपुर और अररिया में चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। वही आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सारण में राजीव प्रताप रूढ़ी के नामांकन में हिस्सा ले रहे हैं और इसके बाद सुपौल में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। मालूम है कि जेपी नड्डा ने इससे पहले भागलपुर, खगड़िया और झंझारपुर में एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया था। नामांकन से पहले पिता को याद कर चिराग पासवान हुए भावुक। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हाजीपुर की लोकसभा सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इससे पहले वो अपने पिता रामविलास पासवान को याद करके भावुक हो गए और साथ ही उन्होंने कहा कि आज उन्हें सबसे अधिक अपने पिता रामविलास पासवान की याद आ रही है। ये काफी भावुक दिन है। चिराग पासवान ने रामविलास पासवान को याद करते हुए कहा कि आज हमें अपने पिता की कमी महसूस हो रही है। वो साथ होते तो नामांकन के लिए हाथ पकड़ कर लेकर जाते। एक विश्वास रहता था कि पापा है तो वो सब कुछ संभाल लेंगे। मुसलमानों को लेकर प्रशांत किशोर ने लालू यादव और नीतीश कुमार से किए सवाल। जन स्वराज के सूत्रधार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि मुसलमानों की बात करने वाले लालू प्रसाद यादव 16 साल सत्ता में रहे, उन्होंने किसी भी मुसलमान को गृह मंत्री या पथ निर्माण मंत्री क्यों नहीं बनाया। प्रशांत किशोर ने कहा है कि लालू यादव और नीतीश कुमार ने दलितों और महादलितों का शोषण कर उन्हें बेवकूफ बनाया है। जातीय सर्वे को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि ये समाज को बांटकर राजनीतिक लाभ लेने के लिए कराया गया है। रिंकू सिंह को भारतीय टीम में जगह नहीं मिलने पर पूर्व चयनकर्ता ने कही ये बात। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है। ऐसे में
इस टीम की कप्तानी रोहित शर्मा के पास है, जबकि हार्दिक पांड्या को उप कप्तान बनाया गया है। इस टीम में केएल राहुल को जगह नहीं दी गई है और साथ ही रिंकू सिंह को रिजर्व के तौर पर शामिल किया गया है। इसका मतलब यह कि कोई खिलाड़ी अगर घायल हो जाता है तो इन्हें खेलने का मौका मिल सकता है। भारतीय टीम में रिंकू सिंह को जगह नहीं दिए जाने पर पूर्व चयनकर्ता कृष्णमाचारी श्रीकांत ने नाराजगी जाहिर की और कहा है कि केकेआर के खिलाड़ी रिंकू सिंह को गलत तरीके से बलि का बकरा बनाया गया है। रिंकू सिंह की पूरी दुनिया में बात हो रही है और उन्होंने अब अच्छा प्रदर्शन तक कर दिया है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो बीपीएससी, एसएससी, यूपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, पत्थर के औजारों का पहली बार उपयोग किस युग में देखा गया था? नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, लौह युग या कांस्य युग? सही जवाब है पुरापाषाण युग। मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद मुइज्जू, कासिम जोमार्ट तोकायेव, आसिफ अली जरदारी, अनवर इब्राहिम? सही जवाब है मोहम्मद मुइज्जू। भारत की पहली अंडरवाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ की गई है? बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई या दिल्ली? सही जवाब है कोलकाता। हाल ही में पंडित लक्ष्मी महाराज पुरस्कार से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? रेखा, हेमा मालिनी, जया बच्चन या मनीषा कोरेला? सही जवाब है हेमा मालिनी। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 अप्रैल, 30 अप्रैल, 28 अप्रैल या 27 अप्रैल? सही जवाब है 29 अप्रैल। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रवि कुमार राम, रंजीत मिश्रा, मोहम्मद शकीर हुसैन, सदुल्ला पालवी, बाबूलाल मरांडी, नौशाद राजा, गुनर शर्मा, अखिलेश मंडल, मदन कुमार मोहित, अखिलेश मंडल, रमन कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का हमारा सवाल है, खुद को फिट रखने के लिए आप क्या क्या उपाय करते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना नहीं भूले। धन्यवाद।